ये मदरसों ये सारे मुस्लिम कंट्रीज में होते हैं, हाँ मगर जी इससे इससे मुल्क के लिए, तरक्की के लिए कोई फायदा इस तरह कुछ नहीं लगता है। मतलब बचपन में पूरा ये रिलीजियस एजुकेशन में ही बच्चों का टाइम गुजर जाता है, फिर उनको साइंस का इल्म वो सब हासिल करना और दूसरे फील्ड में आगे बढ़ना ये सब मुश्किल होता है। मतलब आपको कैसे पता चला? आपने कभी किसी मदरसे के निकलने वाले से पढ़ा देखा है उनको कि वो साइंस की फील्ड में या किसी और फील्ड में नहीं आते हैं? नहीं है, मैं देखता हूँ ना सारे नहीं, मुस्लिम आप कंट्रीज। असल में वो सिस्टम से आप वाकिफ नहीं हैं, इसलिए आपको गलतफहमी है। मदरसे के जो निकलने वाले लोग हैं वो तकरीबन हर फील्ड में हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि सिर्फ रिलीजियस इल्म नहीं दिया जाता है, मदरसे में लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, अरबिक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। और अरबिक लैंग्वेज से जो माहिरीन होते हैं, जो मदरसे से निकलते हैं अरबी लैंग्वेज में माहिर, वो बहुत अच्छा खासा उनको जो है ना एक बड़ा जॉब, जो खास तौर पे हमारे यहाँ मिडल ईस्ट में इतनी तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं वहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के जॉब के लिए। तो वो एक अच्छी फील्ड है, वहाँ पर भी वो जाते हैं मुल्क से बाहर। बहुत बड़ी तादाद में जो मदरसे से निकलने वाले हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ की इकॉनमी के लिए। उसके अलावा तकरीबन तकरीबन सारे बड़े मदारिस जो है ना वो एफिलिएशन है उनका अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, जामिया इस्लामिया जामिया मिल्लिया में है और जामिया हमदर्द में है। तो जो BUMS यानी यूनानी जो एक मेडिकल है, यूनानी तरीका है इलाज का, और हिंदुस्तान में जिनसे निकलने वाले BUMS होते हैं, तो यूनानी जो तरीका इलाज है तिब में मेडिकल के अंदर, उसमें अरबी जबान में महारत की बहुत ज़रूरत होती है। तो मदरसे के फारिगीन बहुत सारे लोग मेडिकल शोबों में जाते हैं, BUMS करते हैं बड़ी अच्छी खासी तादाद में। फिर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो अरबी जबान में अच्छी महारत हासिल करके BA करते हैं, MA करते हैं, PhD तक करते हैं। अच्छा, इस वक्त जो अरेबिक ये डिपार्टमेंट है स्क्रीन अलग अलग इदारों के, आप देखेंगे चाहे वो GNU में हो, चाहे अरेबिक डिपार्टमेंट हमदर्द में हो, या अलीगढ़ में हो, या मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर हो, उन अरेबिक डिपार्टमेंट में आमतौर पे जो टीचर्स हैं, HOD वगैरह हैं, वो सब के सब मदरसे से निकले हुए हैं। तो अभी बहुत सारे हैं, अच्छी खासी तादाद में बच्चे जो है ना मदरसे से निकल के MBA कर रहे हैं और बिजनेस और मैनेजमेंट की लाइन में आ रहे हैं। तो आप असल में ये सारी गलत फहमियाँ मीडिया की फैलाई हुई है और लोग दूर दूर से बातों पर यकीन कर लेते हैं। आप मदारिस में जाएं, किसी बड़े मदरसे में जा करके वहाँ का जो एक सिलेबस है वो देखें, वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से निकलने वालों की वो देखें, तो आपको ये गलत फहमी दूर हो जाएगी। रहा मसला कि अभी हिंदुस्तान में जॉब्स उतने नहीं हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो बड़े बड़े कॉलेजेस से निकल करके जूठे चटका रहे होते हैं। इंजीनियरिंग जो है वो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस से निकल करके और इंजीनियर बन करके लोग पकोड़े तल रहे हैं। तो उसके उसके लिए तो आप क्या कर सकते हैं? मदारिस में आमतौर पे मदारिस से जो निकल रहे हैं, मदरसे से जो पढ़ने वाले निकल रहे हैं, वो अलग अलग फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मतलब के जो शोबों मुझे में भी है सब... ना, कंप्यूटर में भी है, इंजीनियर के शोबे में भी है, बहुत सारे तो MBBS में भी हैं। मतलब कोई शोबा ऐसा है नहीं कि चाहे वो चंद ही मदरसे के हो लेकिन मौजूद हैं, ट्रांसलेशन जी के शोबों में हैं, भरे मतलब पड़े ये हैं। मदरसे के एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ भी जाता है कुछ कुछ टाइम। मतलब मॉडर्न हर एजुकेशन में एवोल्यूशन है। बिल्कुल अभी नहीं, जाहिद भाई ने दिखाया बिल्कुल था ना नहीं, इसमें IAS भी कोई बना था। नहीं, मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ जाता है कभी सुनिए टाइम सुनिए, मदरसे मॉडर्न का मॉडर्न एजुकेशन। एजुकेशन जिसको आप कहते हैं वो साइंस को कहते होंगे, मैथ को, यही तो कह रहे हैं आप, साइंस मैथ हिस्ट्री यही सब कह रहे हैं जी, आप। मतलब पहले तो साइंस अगर में मदरसों का जो, हाँ वेट वेट मदरसों का जो सिस्टम है आजादी के बाद ही से, आप देख लीजिए अगर देखना चाहें तो, और आजादी के बाद ही से मदरसों में जो खास तौर पे छोटे लेवल पे, बड़ा लेवल आप छोड़ दीजिए, मकतब का जो लेवल जिसको मकतब कहते हैं, मकतब में हिसाब जिसको मैथ आप कहते हैं और साइंस उसको मालूमात अम्मा के नाम पे मकतब में होता था, और हिंदी जबान, हिंदी जबान जो हमारे मुल्क की जबान है, वो जबान उर्दू जबान, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और पर्सनली मैंने मैंने पढ़ा हुआ मकतब में ही ये सारी चीजें, और मकतब में सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारे हिंदू भाई भी पढ़ते थे। वो तो जब मुल्क की फजा खराब हुई और लोगों ने, मीडिया ने वो अलग तरह का माहौल पैदा किया, तो फिर बातें अलग हो गई। वरना उसी मकतब में जो हमारा हिंदू साथी होता था वो कुरान नहीं पढ़ता था, कि क्योंकि हम मजहबी चीजें भी उसमें होती हैं, हम कुरान पढ़ते थे वो कुरान नहीं पढ़ता था, बाकी सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते थे, जो रिलीजियस बुक होती थी वो नहीं पढ़ता था, और हम रिलीजियस बुक भी पढ़ते थे, बाकी जितना मॉडर्न है वो भी पढ़ते थे।
ये तो छोटे लेवल की है। बड़े लेवल में जब आते हैं तो बहुत सारे मदरसे हैं जिन मदरसों में ये सारी चीजें हैं, साइंस भी है, मैथ्स भी है, कम से कम 10वीं तक का है, और हर मदरसे में इंग्लिश इंग्लिश जो है एकदम कंपलसरी है, कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश। बहुत सारे मदरसों में इंग्लिश और हिस्ट्री है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ है। और फिर किसी मदरसे में अगर मॉडर्न एजुकेशन नहीं है, साइंस और मैथ नहीं है, तो उससे ये मतलब नहीं है कि उसके खिलाफ है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप जो है MBA कोई कर रहा है तो एक लेवल से, 12वीं से अगर कोई अलग कोर्स कर रहा है तो 12वीं से जब आगे जाता है तो हर कोई साइंस और बायोलॉजी थोड़ी पढ़ता है, हर कोई जो है कंप्यूटर ही थोड़ी पढ़ता है। तो अगर आप कहेंगे कि फलां आदमी MBA कर रहा है, साइंस नहीं पढ़ रहा है, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो डॉक्टरी लाइन के खिलाफ है, या कोई डॉक्टरी का इल्म हासिल कर रहा है तो क्या इंजीनियरिंग वाले इल्म के वो खिलाफ है? भाई ना पढ़ना किसी चीज का खिलाफ कैसे हो गया? अपनी अपनी जरूरत है, हमारी एक मजहबी जरूरत है, जैसे आपके यहाँ मजहब के कुछ लोग होते हैं वैसे हमारे यहाँ कुछ मजहबी जरूरत भी है। तो अगर हम मजहबी जरूरत के तहत वो चीज ना भी पढ़ाएं तो उसको खिलाफ आप नहीं कह सकते। ओवर 500 साइंटिस्ट, 500 साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि वो डार्विन्स थियोरी ऑफ एवोल्यूशन को डाउट करते हैं, तो वो लोग भी तो खिलाफ है। तो ये साइंस साइंटिस्ट खुद इसके खिलाफ है, यानी कि ये कोई ऐसी यूनिवर्सल चीज नहीं है जो लेकर के आप कह सकते हैं कि मदरसे साइंस के खिलाफ हो गए। हाँ जी बाकी भाई हमारे आप वतन में आप देखिए ना कि बहुत बड़ी शख्सियतें आपको ऐसी मिल जाएंगी जिन्होंने मदारी से तालीम हासिल की है। मनमोहन सिंह जी, खासतौर पे पंजाब में एक जमाने तक के जो एजुकेशन सिस्टम था वो मदारिस ही का था। तो पुराने जो आपको बड़े लोग मिलेंगे मदारिस ही से निकले हुए मिलेंगे जिनकी बेसिक तालीम मदारिस से भी। मनमोहन सिंह जी वो तो बाकायदा स्पीच देने आते थे तो उनके सामने जो पेपर होता था कभी आप उठाकर देखिए उर्दू में लिखा होता था, इनकी स्पीच भी उर्दू में लिखी हुई होती थी। और अब ये हमारे लिए तो वो इंडस्ट्री नहीं है कोई हलाल, लेकिन अब बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी आप एक कंट्रीब्यूशन मानते हैं बॉलीवुड का कि मुल्क में एक बहुत बड़ा, तो बॉलीवुड में बहुत बड़ी तादाद में आपको ऐसे लोग मिलेंगे। गुलजार साहब मदरसे से पढ़े हुए, धर्मेंद्र का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मदरसे से पढ़ा हुआ है। तो पंजाब के इलाके से जो भी आते थे यहाँ पर या पशावर के इलाके से जो लोग आते थे इंडस्ट्री में बड़ी तादाद में आते थे वो सब मदरसे से पढ़े हुए होते थे। लिटरेचर की फील्ड में आप देख लें, उर्दू अदब इतना बड़ा हमारे हिंदुस्तान का नुमाइंदा है और पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है उर्दू लिटरेचर जो है, उसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की जो मदरसे से निकली हुई है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो पहले एजुकेशन जो है मिनिस्टर थे और एजुकेशन मिनिस्ट्री उनके हाथ में थी, वो मौलाना थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी हिंदुस्तान फ्रीडम ऑफ फाइटर, फ्रीडम फाइटर थे। और इतना यानी पहला जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री थी वो उन्होंने संभाली थी हिंदुस्तान के अंदर, वो मौलाना थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हसरत मोहानी, खुद फ्रीडम फाइटर्स में एक बड़ा नाम आपको मदरसों के निकलने वाले लोगों का मिलेगा। तो कौन सी फील्ड है जिसमें आपको मदरसे से निकलने वाले नहीं मिल रहे, थोड़ा सा आप तारीख की नॉलेज उठाएं देखें आपको अच्छी खासी जानकारी मिलेगी। जी खास बात यह है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है उसकी तरफ मतलब लोगों को समझाने वाले कि इसमें आओ इसको हासिल करो, ये खुद उलमा है, मदरसे ही के जो प्रोडक्ट्स हैं वही ये बात समझा रहे हैं कि भाई आप इसको हासिल कीजिए, मुल्क में अपना ताउन पेश कीजिए। और मदरसों का तो सबसे बड़ा ताउन जो है, सबसे बड़ा वो तो जंगे आजादी में देख लीजिए ना आप, कि जो आजादी की जो जंग हुई है जिसमें आप और हम सब साथ थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसमें जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो उलमा की है जो मदरसों से पढ़े हुए थे। तो इस जब इस आजादी ही में मुल्क की उलमा का हिस्सा है। अब रह गई ये बात, जितनी भी बातें हैं वो तो सब फैलाई हुई हैं।